सर आप क्या ये प्रेस में आके आप ये ब्रीफ कर सकते हो, उस जिस दिन जो इंसिडेंट हुआ उससे 150 मीटर के दूर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप उसके फुटेज निकाल के आप दिखा दो, मैं खुद ऑन कैमरा में आप लोगों से माफी मांगूंगा। वी आर सिंसियर सिटीजन ऑफ इंडिया, सो आपको ये समझना चाहिए, दिस इज ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन AIMA, बस सर पे टोपी लगाया हुआ, कुछ लोगों को मत समझिए, कुछ मुल्ला को मत समझिए कि बस टोपी लगाया हुआ, कुछ मुल्ला इसमें इन्वॉल्व है। तो उम्मीद है नेक्स्ट टाइम आप अगर आईना के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट करते हो, पीर साहब के फैन फॉलोअर्स के इमोशन में आप कुछ हर्ट करते हो, तो ये हम फिर लीगली हम भी आपको दिखाएंगे, आपने हमें थ्रेट किया कि ये टॉलरेंस नहीं किया। मैं आपको ये अपील करता हूं कि अगर आपको लगता है कि इंटॉलरेंस वाला कोई इंसिडेंट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर कुछ ब्रेक हुआ, तो आप अपने आईनी कार्रवाई करें, हमें इस चीज को लेके पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल नहीं करना है। वी आर नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, वी आर NGO, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपको किसी को हाइड करना है, किसी को छिपाना है, तो वो बात अलग है, क्योंकि आप लोगों को करना पड़ता है। में SDPO ने बताया कि पुलिस जाके वो मॉब को हटाया। मिस्टर SDPO, यू डोंट नो एक्चुअल द फैक्ट। सो आप एक IPS ऑफिसर होने के नाते एटलीस्ट आपको पूरे इंसिडेंट के बारे में पूरा खबर लेना चाहिए था, क्योंकि आपको आईमा के बारे में पता नहीं है। अगर आप आईमा के बारे में मिनिमम स्टडी कर लेते तो आपको पता नहीं चलता कि इतना रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप खुद सोच लेते कि मुझे क्या बोलना है। लास्ट 12 ईयर्स आप आईमा के स्टेटमेंट खोलने, आपके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में जितना इंफॉर्मेशन है वो एक इंसिडेंट दिखाएं जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ गया है, आपको नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है, मुझे पता है कि यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे कुछ लोगों को सामने कर दिया जाता है और वो उनको बोलना पड़ता है। अगर ऐसा है तो ठीक है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं है कि भाई एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आपने जो प्रेस के सामने जो स्टेटमेंट दिया वो एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ था, जो उनके सेंटिमेंट, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके हर काम को हर्ट किया है। बात करना है ये जो आप और आपके प्रशासन की तरफ से जो आपका स्टेटमेंट दिया गया ये गलत है, और हम कोई चीज को बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, सो आपको इस बारे में आगे चल के कभी भी कोई स्टेटमेंट देना हो तो बहुत समझ के देना है। उस दिन से आपके स्टेटमेंट में आया कि रोड ब्लॉकेज करना, लोगों को ये करना वो करना, र्यूमर तो आप र्यूमर के बेस में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। किस चीज के बुनियाद में आपको लगा, एक बता दें कि आईमा ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन एक रोड ब्लॉकेज किया पहले दिन के इंसिडेंट के बाद। रहा सवाल प्रोटेस्ट रैली, इट इज आवर राइट, यह हमारा हक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह हक दिया हमें, हमें अपने बात रखने का जगह है हमारे पास, सो हमने वही जगह को इस्तेमाल किया। ना तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई गाड़ी को तोड़ा गया, कोई एसेट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, कुछ नहीं था। और आप प्रेस में आके इसको लिए, हमारे डिमांड के अंदर कहीं भी कोई भी जगह ऐसा डिमांड नहीं था कि इस, हम शुरू से बता रहे हैं कि भाई ये हो सकता है कि एक्सीडेंट है, हो सकता है कि पॉलिटिकल लोग है, हो सकता है कि अपोजिशन है, हो सकता है कि उनके कोई दुश्मन हो, ये हमारा डिमांड था, क्लेम था, और इसको निकालना आपकी जिम्मेदारी था, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के, आपके आयोग के। और उन्होंने बस आफ्टर 6 डेज फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग आए और आप इमीडिएट प्रेस में आके बोले कुछ नहीं है, और फिर बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, गाड़ी तैयार हो जाएगा, फिर आपके लोग कोई स्टील का कोई लंबा कोई चीज ला के एविडेंस खड़ा कर देंगे, ये मिला 10 डेज, नियर अबाउट 8 डेज आपका प्रशासन के एक भी आदमी कोई एविडेंस नहीं निकाल पाया। चलो मान भी लिया अगर आपकी तरफ से कोई स्टील से अटैक लगा, कोई स्टील का चीज उसमें गिरा हुआ, तो वो स्टील का चीज एविडेंस कहाँ है? स्टार्ट
আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আজকে এই প্রেস ব্রিফকে वजह यह है कि गुज़िश्ता कल SDPO पूर्व मिदनापुर एक स्टेटमेंट दिया ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसे हमें एतराज़ है। प्रेस ब्रीफ के पहले मैं उस बात को करने से पहले आप ज़रा ये वीडियो पहले उनका सुन लें। ये वीडियो के अंदर का वो बात है, पूरा वीडियो जो है हमारे मीडिया पर्सन जो है आपको वीडियो आप लोग तक पहुँचा देंगे। इनका फॉलोवर्स ने बहुत सारे जगह पे रैली किया, रोड ब्लॉकेड किया, रोड विरोध किया और नाइट ऑर्डर सिचुएशंस किया। तो मतलब पुलिस के तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बेस्ड ऑन फ्लिमसी ग्राउंड, ऐसे रूमर्स के बेसिस पे ऐसा पब्लिक को इनकन्वीनियंस कॉज क्रिएट करना, नाइट ऑर्डर क्रिएट करना, मतलब दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। मतलब हमारा एक सबमिशन है कि एस रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, एस रिस्पॉन्सिबल पार्टी और लीडर्स, जो भी हो, यू शुड सी थिंग्स क्लियरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन बेस्ड ऑन रूमर्स, है ना। और मतलब विदाउट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ऐसा इनकन्वीनियंस जो लोगों को, सोसाइटी को, सबको क्रिएट करना, दैट इज नॉट द आइडियल वे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन शुड फंक्शन। और बाद में मतलब ऐसा कुछ किया तो विद सम नलिफाइड इंटेंशन, तो पुलिस विल नॉट टेक इट लेस सीरियसली, वी विल ट्रीट इट एज वेरी सीरियस मैटर एंड वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन आल्सो। द ओवरऑल आप लोगों तक जो ये वीडियो मैंने क्लिप किया, ये बीच का एक पार्ट है, फुल वीडियो हमारे मीडिया कॉरेस्पोंडेंट्स आप तक पहुंचा देंगे। दरअसल ये जो लड़ाई था, आप लोगों को पता है कि एक लास्ट वीक एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें पीर साहब ऑफ प्रतापपुर दरबार शरीफ, जो एक फेमिलियर सिर्फ नहीं है, एक मशहूर आदमी सिर्फ नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट भी हैं, उनके गाड़ी के ऊपर ये हादसा हुआ। तो फिर उनके कुछ फैन फॉलोअर्स जो हैं वो उस दिन रात में रोड ब्लॉकेज किए। पूर्व मिदनापुर OC और उस दिन के लोगों के कुछ एक्टिविटीज़ जो थे, आप लोगों को पता है, मैं ये प्रेस को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। तो शुरू दिन से ही उन लोगों का कुछ इंटेंशन सही नहीं था। इतने बड़े मॉब के सामने एक नए जूनियर लेडी ऑफिसर को भेज देना, और फिर बाद में मैं जब इस पूर्व मिदनापुर SP पूर्व मिदनापुर से मैं खुद बात किया तो वो खुद हमें ये बताएं कि विदिन 24 आवर्स विल बी रिप्लाई कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये जो हादसा हुआ, इसके बाद इस स्टेटमेंट में SDPO ने बताया कि पुलिस जाके वो मॉब को हटाया। मिस्टर SDPO, यू डोंट नो एक्चुअल द फैक्ट। सो आप एक IPS ऑफिसर होने के नाते एटलीस्ट आपको पूरे इंसिडेंट के बारे में पूरा खबर लेना चाहिए था, क्योंकि आपको आईमा के बारे में पता नहीं है। अगर आप आईमा के बारे में मिनिमम स्टडी कर लेते तो आपको पता नहीं चलता कि इतना रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप खुद सोच लेते कि मुझे क्या बोलना है। लास्ट 12 ईयर्स आप आईमा के स्टेटमेंट खोल लें, आपके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में जितना इंफॉर्मेशन है वो एक इंसिडेंट दिखाए जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ गया है, आपको नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है, मुझे पता है कि यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे कुछ लोगों को सामने कर दिया जाता है और वो उनको बोलना पड़ता है। अगर ऐसा है तो ठीक है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं है कि भाई एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आपने जो प्रेस के सामने जो स्टेटमेंट दिया वो एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ था, जो उनके सेंटीमेंट, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके
हर काम को हर्ट किया है। उस दिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लोगों के रास्ते को प्रोटेस्ट किया गया और इमीडिएटली फिर वो प्रोटेस्ट के बाद उसी नंद कुमार और वहाँ के जो ऑफिसर थे, मैं खुद जाके वो रैली को हटाया। उस दिन के बाद से लेके एसपी पुरमिंदापुर का जो स्टेटमेंट है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आना, एविडेंस को, गाड़ी को एक खुले आम जगह रखना और बारिश में छः छः दिन गाड़ी को भिगोना, बारिश हुआ उसके फिजिकल जो चेंज हुआ, पहले जो हालत था, सिचुएशन था, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि एक गाड़ी जो जिस पे अटैक हुआ उसमें बारिश में भिगोना, वो गाड़ी चार चार दिन बाहर पड़ा रहने के बाद कितना उसमें एविडेंस रह जाता है। लेकिन हमें इसमें बात नहीं करना है, हमें ये इसमें बात करना है, ये जो आप और आपके प्रशासन की तरफ से जो आपका स्टेटमेंट दिया गया ये गलत है और हम कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, सो आपको इस बारे में आगे चल के कभी भी कोई स्टेटमेंट देना हो तो बहुत समझ के देना है। उस दिन से आपके स्टेटमेंट में आया कि रोड ब्लॉकेज करना, लोगों को ये करना वो करना, र्यूमर तो आप र्यूमर के बेस में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, किस चीज़ के बुनियाद में आपको लगा? एक बता दें कि आईमा ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन एक रोड ब्लॉकेज किया पहले दिन के इंसिडेंट के बाद। रहा सवाल प्रोटेस्ट रैली, इट इज आवर राइट, ये हमारा हक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हक दिया हमें, हमें अपने बात रखने का जगह है हमारे पास, सो हमने वही जगह को इस्तेमाल किया। ना तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई गाड़ी को तोड़ा गया, कोई एसेट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, कुछ नहीं था। और आप प्रेस में आके इसको दिए, और अदरवाइज यू आर थ्रेटनिंग अस, दिस इज नॉट द, ये सही तरीका नहीं है कि एक ऑफिसर आके बोले कि आप ऐसा करोगे इन फ्यूचर में। हम करेंगे सर, आप फिर एक गलत करो, आप एक गलत करो, प्रशासन एक गलत करे, जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेंस हो लगे हमें प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, फिर हम रैली निकालेंगे एंड विल वेट फॉर यू, आप क्या एक्शन लेते हो हम देखेंगे, इसमें जरूर देखेंगे। हम इस चीज को बढ़ाना नहीं चाहते। इवन यू डोंट नो हु इज पीर साहब ऑफ प्रतापपुर दरबार शरीफ, हु इज द पीर साहब सैयद खालिद हुसैन, अगर आपको पता होता तो फिर आप इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते। हमारे डिमांड के अंदर कहीं भी कोई भी जगह ऐसा डिमांड नहीं था कि इस, हम शुरू से बता रहे हैं कि भाई ये हो सकता है कि एक्सीडेंट है, हो सकता है कि पॉलिटिकल लोग है, हो सकता है कि अपोजिशन है, हो सकता है कि उनके कोई दुश्मन हो, ये हमारा डिमांड था, क्लेम था, और इसको निकालना आपकी जिम्मेदारी था, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के, आपके आयोग के, और उन्होंने बस आफ्टर सिक्स डेज फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग आए और आप इमीडिएट प्रेस में आके बोले कुछ नहीं है, और फिर बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो गाड़ी तैयार हो जाएगा, फिर आपके लोग कोई स्टील का कोई लंबा कोई चीज ला के एविडेंस खड़ा कर देंगे, ये मिला 10 डेज, नियर अबाउट 8 डेज आपका प्रशासन के एक भी आदमी कोई एविडेंस नहीं निकाल पाया। चलो मान भी लिया अगर आपकी तरफ से कोई स्टील से अटैक हुआ, कोई स्टील का चीज उसमें गिरा हुआ, तो वो स्टील का चीज एविडेंस कहां है? सर आप क्या ये प्रेस में आके आप ये ब्रीफ कर सकते हो, उस जिस दिन जो इंसिडेंट हुआ उससे 150 मीटर के दूर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप उसका फुटेज निकाल के आप दिखा दो, मैं खुद ऑन कैमरा में आप लोगों से माफी मांगूंगा। वी आर सिंसियर सिटीजन ऑफ इंडिया, सो आपको ये समझना चाहिए, दिस इज ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन AIMA, बस सर पे टोपी लगाया हुआ, कुछ लोगों को मत समझिए, कुछ मुल्ला को मत समझिए कि बस टोपी लगाया हुआ, कुछ मुल्ला इसमें इन्वॉल्व है। तो उम्मीद है नेक्स्ट टाइम आप अगर आईना के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट करते हो, पीर साहब के फैन फॉलोअर्स के इमोशन में आप कुछ हर्ट करते हो, तो ये हम फिर लीगली हम भी आपको दिखाएंगे, आपने हमें थ्रेट किया कि ये टॉलरेंस नहीं किया। मैं आपको ये अपील करता हूं कि अगर आपको लगता है कि इंटॉलरेंस वाला कोई इंसिडेंट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर कुछ ब्रेक हुआ, तो आप अपने आईनी कार्रवाई करें,
हमें इस चीज़ को लेके पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल नहीं करना है. वी आर नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, वी आर एनजीओ, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. और अगर आपको किसी को हाइड करना है, किसी को छिपाना है, तो वो बात अलग है, क्योंकि आप लोगों को करना पड़ता है. तो ये हमारे रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे चल के इस चीज पे सिंसियरली आप अपने ब्रीफ करें. और रहा सवाल, जैसे कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि फॉरेंसिक ने बताया कि ये कोई पथराव नहीं था, कोई लकड़ी से कोई नहीं, वी आर एक्सेप्टेड, हम इसको कबूल कर लिए, ठीक है, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं. थैंक यू वेरी मच.